subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रंजन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 9 जो सीबीएसई के क्लास 9 का एसएसटी सब्जेक्ट का ड्रेनेज लेसन का नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हिमालयन रिवर के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर ऐसी नदी होती है जो कि पठारी भागों से निकलती है। तो इस नदी में जो पहला रिवर है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश फ्रॉम अमरकंटक हिल, यानी नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। इट फ्लो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात में बहती है। दूसरा है तापी रिवर, यानी तापी नदी। इट राइजेज फ्रॉम सतपुड़ा रेंज इन मध्य प्रदेश, यानी कि जो तापी नदी है वो सतपुड़ा के रेंज से निकलती है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। इट फ्लो एमपी गुजरात एंड महाराष्ट्र, यानी कि ये मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है और महाराष्ट्र में बहती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है महानदी। महानदी इट राइजेस फ्रॉम हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, यानी ये छत्तीसगढ़ के पठारी भागों से निकलती है। इट फ्लो ओडिशा एंड रीच बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये उड़ीसा से बहते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज फ्रॉम कर्नाटका, यानी ये कर्नाटका राज्य के जो ब्रह्मगिरी रेंज है, ब्रह्मगिरी, वहाँ से ये निकलती है। इट फ्लो कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु। और जो कावेरी नदी है वो तीन राज्य में बहती है, तीन स्टेट में बहती है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, गोदावरी रिवर, जो कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी रिवर इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी जितनी भी पठारी नदियां हैं, पेनिनसुलर नदी जितनी भी है, पेनिनसुलर रिवर, उसमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी रिवर। इट राइजेस फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इट लेंथ 1500 किलोमीटर, यानी कि इस नदी की जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। ये दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, इस कारण से इट इज़ नॉन एज दक्षिण गंगा, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो ये थे हमारा जो है इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्स के बारे में, यानी कि जो भारत में कुल कितनी झीलें हैं, किस कितने प्रकार की झीलें हैं, लेक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है वो मैं उसी वीडियो में आप लोगों को दूंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।